ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियनशिप विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर नारायण सेवा संस्थान ने आयोजित की नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। देश भर से आए प्रज्ञा चक्षु खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में दिखाए अपने जौहर, अपने बल्ले से की रनों की बौछार, दुनिया को दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। राजनीति, समाज सेवा और खेल जगत के अनुभवी तथा गणमान्य लोगों ने किया टूर्नामेंट का शुभारंभ। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर दिया सद्भावना का संदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा और केरला की दिग्गज टीमों ने दिखाया अपना दमखम। एक से बढ़कर एक टीमों के बीच नारायण पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी भूमि माता में हुए धमाकेदार मैच। चुनौतियों को चैलेंज की तरह लेने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सोनू गोलकर 2015 से भारत के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीत चुके सोनू गोलकर असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नारायण सेवा संस्थान का मैं आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ कि एक अच्छा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट या नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट किया है, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर देयर वंडरफुल अरेंजमेंट। तो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मैं 10 साल का था उसके बाद ब्लाइंड हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि आपको डिसेबिलिटी लेट हो तो बेसिकली आपकी मेंटेलिटी साथ में उससे लड़ना बहुत बड़ा चुनौती होता है। हम लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में 35,000 क्राउड आया था, तो वो दिखाता है कि हमारे देश में जो पैशन है क्रिकेट को लेके, वो नॉट ओनली विराट के लिए है ना, हमारी मेंस टीम के लिए है, वही सपोर्ट इंडियन टीम के लिए है। राजस्थान टीम के हरफन मौला खिलाड़ी इस्लाम अली पेशे से अध्यापक हैं और राजस्थान टीम के कप्तान रहे हैं। हमारा टूर्नामेंट समाज के सहयोग से होता है। जब हमें पता चला कि नारायण सेवा संस्थान एक सोशल वर्किंग एनजीओ है जो दिव्यांगों के लिए काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रही है, तो हमने माननीय प्रेसिडेंट जो हैं नारायण सेवा संस्थान के, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट नेशनल लेवल का उदयपुर में आप ऑर्गेनाइज करें। तो हमारे एक निवेदन पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या क्या सुविधाएँ चाहिए, और उन्होंने सर हमें अपेक्षा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के हमारा टूर्नामेंट संपन्न करवाया है। तीन कैटेगरी में हमारे प्लेयर डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी होती है B1, जो प्लेयर खिलाड़ी बिल्कुल नहीं देख सकता वो B1 कैटेगरी में आता है, ऐसे 4 प्लेयर उसमें होंगे। और B2 कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें खिलाड़ी 10 से 20 मीटर की दूरी तक देख सकता हो, उसे हम B2 कैटेगरी का कहते हैं, उसे 3 प्लेयर उसमें टीम में इंक्लूड होंगे। और B3 के कैटेगरी के प्लेयर जो 30 से 40 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, उन्हें हम B3 का प्लेयर मानते हैं, वो 4 प्लेयर होंगे। इस तरीके से हमारे 2, 4, 3, 4, 11 प्लेयर होते हैं। यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी, सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया। मैं अपने आप को इनफैक्ट बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को आप सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है। मेरा बेटा 7 साल का है और वो मेरे को जब भी खेलता है, मम्मा मेरे साथ क्रिकेट खेलो, मैं नहीं खेल पाती हूँ उसके साथ। तो आप इन परिस्थितियों में नेशनल लेवल का इतना अच्छा खेल आप खेलते हैं, मैंने टीवी में भी देखा है, कई इतना अद्भुत होता है देखना किस तरह से खेलते हैं, एंड कितना प्रैक्टिस किया होगा आपने, कितनी मेहनत की होगी, और कितना आपका एक तरह से विल पावर स्ट्रांग है कि आप इस लेवल तक आके खेल पाए हैं। 118 रन की नाबाद पारी खेलने वाले पश्चिम बंगाल के दीपेंदु महातो जब मैदान में उतरते हैं तो अपने बल्ले से चौके छक्कों की बौछार कर देते हैं। मैं B2 कैटेगरी हूँ, किंतु रनर जो हमारा नया है ना, उस रनर ने नहीं ले सकता, वो भागता नहीं है, इधर रन आउट हो जाता है, इसलिए खुद भागना पड़ता है। मैं 80% ब्लाइंड हूँ। राजस्थान में जो आया तो नारायण सेवा संस्था है, बहुत अच्छा है इधर, ठीक है। यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलता है, जो ग्राउंड के इतने अच्छी फैसिलिटी कोई भी जगह नहीं मिलता। गुजरात टीम के कैप्टन सैयद शाहरुख ने 12 साल की उम्र में अपनी आंखें खो दी।
लेकिन क्रिकेट के लिए इनका जज्बा देखते ही बनता है। ये ब्लाइंड क्रिकेट बॉल है, इसके अंदर छर्रे आते हैं, तो वो छर्रे ये बॉल के अंदर साउंड करता है। प्लास्टिक का बॉल है, वजन है इसमें, और ये प्लास्टिक का बॉल इसके अंदर छर्रे हैं, इसकी वजह से साउंड आता है। जो साउंड जो B1 प्लेयर होता है जिसको बिल्कुल नहीं दिखता, वो अपने कानों से, आँख से तो देख नहीं सकता, तो वो कानों से सुनकर बैटिंग करते टाइम उसका जजमेंट लेकर फिर शॉट मारता है, और फील्डिंग के टाइम जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उस साइड जाके उसको बॉल को कवर करता है, और बॉलिंग के टाइम कीपर उस बॉलर को साइन देता है कि दिस साइड, तो वो उसी डायरेक्शन में बॉल अपना फेंकता है, तो उससे जो टोटली ब्लाइंड है इस बॉल से सपोर्ट मिलता है। आप इस लेवल तक पहुंच करके इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं आप, और मैं आपको ये मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बहुत अच्छा करें, और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, आप ज़िंदगी के हर आयाम में बेहतर करें और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। राजस्थान और केरला के बीच हुआ फाइनल का घमासान। राजस्थान को हराकर केरला की टीम ने किया चैंपियनशिप पर कब्जा। मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ियों को नारायण सेवा संस्थान ने किया सम्मानित, और की खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना।